क्या काम है 5 साल में कुछ हुए जी तुम्हारे फोन? ने क्या किया क्या नहीं किया हमारी तरफ से जो है विकास की तरफ से हमारा गांव ठीक है जी। ठीक है जी ज्यादा ठीक है अच्छा अच्छा रुद्रप्रयाग विधानसभा में इस बार मुकाबला बेहद दिलचस्प बनता दिख रहा है। वैसे तो राज्य गठन के बाद इस सीट पर सबसे अधिक भाजपा का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार मतदाताओं का मूड बदला हुआ नजर आ रहा है। यह भी साफ है कि भाजपा विधायक के पिछले 5 साल के कार्यकाल से जनता ज्यादा खुश नहीं है। आपको बता दें कि रुद्रप्रयाग जिले के बछयाण सुपट्टी के साथ ही धनपुर रानीगढ़ और जखोली का बड़ा क्षेत्र जोड़ते हुए रुद्रप्रयाग विधानसभा का सीमांकन हुआ है। इसमें कुछ भाग तल्ला नागपुर का भी है। जनपद की इस बड़ी विधानसभा सीट में वर्ष 2012 में कुल 84,041 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया, जबकि 2017 में यह संख्या बढ़कर 96,569 हो गई है। इस बार भी काफी संख्या में आंकड़ा बढ़ने वाला है। रुद्रप्रयाग सीट पर राज्य गठन के बाद कई सियासी दिग्गज चुनाव लड़ चुके हैं। दिग्गज कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत और पूर्व कैबिनेट मंत्री मातवर सिंह कंडारी ने भी इस सीट पर चुनाव लड़ा है। अभी तक 3 बार बीजेपी और 1 बार कांग्रेस इस सीट पर जीत हासिल करने में सफल रही है। वर्ष 2017 के चुनाव में मोदी लहर ने जहां बीजेपी को बड़ी जीत दिलाई, वहीं अन्य दलों के चारों खाने चित हो गए थे। इस चुनाव में बीजेपी प्रत्याशी को कांग्रेस प्रत्याशी के 2 गुने वोट मिले थे, लेकिन इस बार समीकरण पूरी तरह बदले हुए है। मतदाता भाजपा विधायक के 5 साल के कार्यकाल से ज्यादा संतुष्ट नहीं है। पहाड़ टीवी ने जब इसके लिए विधानसभा के सबसे बड़े क्षेत्र जखोली ब्लॉक के कई जगहों में जाकर जनता की राय ली। नमस्कार, मैं हूं संदीप भटकोटी और आप देख रहे हैं उत्तराखंड का सबसे पसंदीदा लोकप्रिय चैनल पहाड़ टीवी। अभी हम मौजूद हैं चंदी गांव में, और चंदी गांव जो है जखोली ब्लॉक से का गांव है, और इसके साथ में ये बता दूं कि मयाली से लगभग 6 किलोमीटर आगे ये गांव है। और अभी हम यहां पे मौजूद हैं और आज खासकर हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 2022 में जो विधानसभा चुनाव है, तो उन चुनाव में आखिर क्या जनता वोटर क्या मतदाता का क्या मूड है, क्या चाहती है, उनके क्षेत्र में पिछले 5 साल में कितना विकास हुआ है, इन तमाम चीज़ों को लेकर हम एक बात करेंगे और इनसे जानकारी लेंगे। हमारे साथ बहुत सारे बुजुर्ग लोग यहाँ पे हैं और कहते हैं कि बुजुर्ग का अनुभव सबसे अहम रखता है हर चीज़ में, और उनसे बात करेंगे आखिर वो क्या उनकी अभी तक सोच है 5 साल के कार्यकाल को लेकर जो इसका विधायक का कार्यकाल रहा है, और अब वो क्या जो 2022 में विधानसभा चुनाव हो उसमें क्या वो बदलाव चाहते हैं, क्या नया कैंडिडेट चाहते हैं, अच्छा कैंडिडेट चाहते हैं, इसको लेकर भी उनसे बात करेंगे। और मैं ये बता दूं कि जखोली ब्लॉक रुद्रप्रयाग विधानसभा का सबसे ज़्यादा मतदाता वाला क्षेत्र है, लेकिन यहीं यहाँ से अभी तक एक बार भी कोई विधायक नहीं बना है। और सबसे बड़ी बात है कि जखोली से ही हार जीत की गणित तय होती है किसी भी विधायक की रुद्रप्रयाग विधानसभा के, और इसको लेकर हम बात करेंगे। हमारे साथ बहुत सारे लोग यहाँ पे बुजुर्ग लोग हैं, उनसे मिलते हैं। आप अपना नाम बता दीजिए सबसे पहले। आपका मेरा नाम प्रेम सिंह। अच्छा, गांव का नाम रामचंद जी। अच्छा, एक बात बताइए सुरेंद्र सिंह जी, जखोली सबसे बड़ा विधानसभा सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे अधिक वोटर यहीं से, और अभी यहाँ पे फिलहाल भरत सिंह चौधरी विधायक, कैसा कार्यकाल रहा 5 साल में, संतुष्ट हैं कि कार्यकाल तो जैसे मेरा है मैंने आप ठीक रहा क्या रास्ते रुस्ते पानी सब कुछ ठीक है? तो ठीक है हमारी तरफ से। अच्छा, तो ऐसे है जितने भी लोग आ रहे हैं जैसे अगर मेरे जी सुबह सारे बदल रहे हैं तो उनको कोई भर्ती नहीं हो रही है। जी हाँ, 3,000 में अगर लोग जो है वो करते हैं 20 साल 25 साल। अच्छा, तो स्वास्थ्य की क्या सुविधा? स्वास्थ्य की भी ठीक है। कहाँ जाते हैं? जखोली। डॉक्टर पूरे हैं? डॉक्टर कभी कभी आते हैं कभी नहीं आते हैं। तो सही कहाँ से हो गई? ऐसे चल रहा है कि अब हम यहाँ चले गए, हमें दवाई मिल जाती है, लोग परेशान रहते हैं जो मतलब जैसे डिलीवरी है जी, तो वो बाहर भेजते हैं। तो मैं ये पूछूंगा कि इस बार थोड़ा कोई नया चेहरा देखेंगे, बदलाव चाहते हैं कि कोई नया अच्छा आदमी बने, दूसरे को चेंज करके अच्छा देखते हैं। तो आपको नहीं लगता कि आपके यहाँ कोई और आदमी जो बस कर सकते? देखते हैं क्या होता है। अच्छा, वैसे कौन कौन इस क्षेत्र से कौन कौन उम्मीदवार हैं? उम्मीदवार तो यहाँ से। चलो अभी एक मिनट, आप इनसे बात करें। आप अपना नाम? मेरा नाम है शिव सिंह राणा, ग्राम चंदी और न्याय पंचायत कोठेड़ा, ग्राम सभा कोठेड़ा। अच्छा, राणा जी अभी वैसे करते क्या आप? मैं आर्मी एक्स आर्मी रिटायरमेंट है। अच्छा राणा जी, एक चीज सवाल पूछना, आपका काफी तजुर्बा है, 5 साल का कार्यकाल है। हाँ जी जी, पिता समझ। हाँ जी,
फिलहाल इतना बड़ा, हम भी गए सड़कें, कई जगह गड्ढे पड़े हुए हैं, कोई कहीं पे पेंटिंग है तो उसके बाद कहीं गड्ढे पड़े हुए हैं, पानी भी कहीं जो जल जीवन मिशन है उसमें कहीं नल सूखे पड़े हुए हैं। तो अब अगर आप देखें तुलनात्मक तरीके से देखें 5 साल कितना कैसा लगता है? देखो जी, एक विधायक को विधायक निधि जो है 3 करोड़ और 75 लाख रुपए जो है 1 साल का मिलता है। इसमें से हमारे ग्राम सभा में विधायक निधि से कोई भी धन किसी भी रास्ते में खर्च नहीं किया गया, नहीं किया गया। ना कहीं रास्ता बना, ना कहीं पेयजल का है। और इसमें हम क्या बोल सकते हैं कि विधायक ने क्या किया क्या नहीं किया, हमारी तरफ से जो है विकास की तरफ से हमारा गांव जो है नहीं। स्वास्थ्य सुविधा भी कुछ, स्वास्थ्य सुविधा भी जो है बिल्कुल जो है हमारे जो है स्वास्थ्य केंद्र जो है जो कोई ब्लॉक में है वहाँ पे डॉक्टरों की कमी है। और हमें जो है जैसे कोई भी ब्लड देना है, कोई जो है एक्सरे करने हैं, वो यहाँ से बोलते हैं कि रुद्रप्रयाग जाओ और या तो जो है आप जो है श्रीनगर जाओ, लेकिन हमारे यहाँ पे जो है कोई इतनी सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। अच्छा राणा जी, कोई है आपकी नज़र में कोई चेहरा ऐसा जो इस क्षेत्र से? नज़र में तो हमारे यहाँ कई चेहरे हैं, लेकिन जो है जो चेहरों को प्रत्याशियों को अगर वहाँ से टिकट मिलेगा इसलिए जो है हम देखेंगे। भाई जो है हर एक आदमी ये सोचता है 5 साल के दौरान कि मैं ये करूँगा सो करूँगा, 5 साल उसने अपने ख़त्म किए, उसके बाद जो है जनता जैसी जैसी। अभी वोट की जो है रीति आ रही है, चुनाव आ रहा है, इसलिए जो है यहाँ पे जो है हर एक आदमी बोलेगा हम जो है बिजली देंगे, पानी देंगे, हर एक चीज़ देंगे, लेकिन जो है जब अपना चुनाव जीत जाते हैं उसके बाद कोई नहीं। अच्छा राणा जी, बाहर कोई महिला कैंडिडेट आती है? हाँ जी, आपके क्षेत्र में कई महिला कैंडिडेट? हाँ, महिला कैंडिडेट हमारे जो है कांग्रेस प्रतिनिधि जो है लक्ष्मी राणा है, और जो है कांग्रेस के प्रतिनिधि जो है प्रदीप धबलाल है। कांग्रेस के महिलाओं को एक दफे अगर महिलाओं को अजमा के देखें तो देखते हैं महिला भी जो है क्या करते हैं, क्योंकि पुरुषों ने तो जो है अभी तक जो है कोई कार्य ऐसा नहीं किया क्योंकि जो है ग्राम सभा जो है अच्छा हो। हमारी ग्राम सभा जो है बहुत बढ़िया है, हमें आज तक जो है ग्राम सभा को विच्छेदन करना था, लेकिन अभी तक जो है किसी विधायक ने जो है उसको विच्छेदन नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा आपसे बात करेंगे, आपका नाम क्या है? वीर सिंह राणा। राणा जी, आपका क्या मानना है सब तमाम बातें की अभी तक, क्या मानते हैं आप, कैसा कहा? मेरा मानना ये है चाहे विधायक लेडीज बने चाहे चैंसी, कम से कम क्षेत्र का तो देखें क्या कमजोरी है रास्ते। तो ये तो बहुत बड़ी एक बात ये भी सोची की जखोली तो सबसे विधानसभा रुद्रप्रयाग में सबसे ज्यादा वोटर जखोली में, लेकिन आज तक जखोली का कोई विधायक नहीं बना। जखोली का विधायक नहीं बना, यही तो इनका दुर्भाग्य है। चलो क्षेत्रवाद की बात भी नहीं करते हैं, लेकिन चलो जो भी विधायक में कुछ काम था कुछ तो आपने देख दिया। एक बार उम्मीदवार आई थी लक्ष्मी राणा, लेकिन वो यहाँ से आ गई, हमारी ग्राम सभा तो जीत गई थी। और अभी दोबारा देखते हैं, अगर उनको टिकट मिलता है तो फिर देखते हैं फिर क्या। बिल्कुल। आपका नाम क्या है? मेरा नाम प्रेम सिंह है। प्रेम सिंह, अच्छा आप काफी बुजुर्ग भी हैं, आप ये बता दीजिए सच में बोला 5 साल का कार्यकाल ठीक रहा कि नहीं रहा? कहा कुछ क्या है, कुछ नहीं है। अच्छा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। चलो और भी लोग हैं उनसे पूछते हैं, कैमरा मैन से बात करो। और भी लोग हैं आपका गाँव में? नाम जैसे से आप, आपके गांव में कितने काम? 5 साल अगर मैं आपसे पूछता कि हमारे गांव में तो क्या हिसाब है? अच्छा नहीं देखा? नहीं देखा, तो अभी दर्शन ही नहीं हुए आप लोग? अच्छा दर्शन ही नहीं हुए? दर्शन अच्छा रेट लेके जाते हैं तब, तो फिर तो काम कहाँ से जब दर्शन ही नहीं हुए? तो काम कहीं ना कहीं बड़ी बात है। जखोली विधानसभा में इसलिए भी सर्वे कर रहे हैं कि जखोली की जो जखोली क्षेत्र ब्लॉक है वही तय करता है, और रुद्रप्रयाग में रुद्रप्रयाग विधानसभा में कौन विधायक बनेगा वो जखोली के मतदाताओं के हाथ में होता है। लेकिन जखोली की जब मतदाताओं की जो मतदाताओं से हमने बात की, इतना दुर्भाग्यपूर्ण है कि कहीं विधायक दिखे नहीं किसी गाँव में। सबसे बड़ी बात आप नोट की, कहीं ना कहीं बड़ी बात है। कितनी उम्र होगी? उम्र है 84। 84 साल के हो गए? अरे वाह, पूछो जरा। तो इस बार क्या मूड है फिर, किसको दे क्या करना है? नाम बीमार है या तो नाम कोई और है, ना कोई वाला है, ना बीमार है, मैं बीमार है। वो मैं जाना घर में पहुंचा एक बात बता, बदलाव होना चाहिए, होना तो चाहिए। अच्छा होना चाहिए। हाँ, बहुत अगर कोई महिला बोल होती है महिला की वजह तो अच्छी है, अच्छी बात है। हम तो कहते हैं इस बार मौका मिलना चाहिए, लक्ष्मी राणा आ जाए तो बढ़िया है, और लक्ष्मी राणा आ जाए तो ठीक है। बहुत अच्छी सुंदर चयन होना चाहिए ताकि इन लोगों को सबक सीखे। ठीक है, ओके। कौन? अच्छा एक बात बताओ तुम कि तुम्हारे 5 साल हुए बीजेपी विधायक रहे, कथा काम है तुम्हारे गाँव में पानी सड़क कुछ भी?
जी जी हाँ अच्छा अच्छा तो और रास्ता रुस्ता और कुछ काम है बड़ा काम है बोलो जो अच्छा अच्छा रोजगार रोजगार कुछ रोजगार नहीं ये क्या मनरेगा अच्छा 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 इन बता तुम विधायक को कार्यकाल कर ले तुम तो जन ठीक लगी कि ठीक है जी रोजगार रोजगार कते हमें रोजगार ए छे ना हां खास ने बोला लो जना लोग पैड छे ना बनाई हां आपा रे पैसा मत लो तन आपा को लोड़ी दबो ना हां सब तने को गंता रोजगार तो सब को नहीं स्वास्थ्य सुविधा किस हॉस्पिटल दूर होलू हॉस्पिटल का स्वास्थ्य किलो सीता अच्छा बहुत दूर छे ना ज्यादा कुछ काम है बढ़िया कुछ खास अब यार रोड से कुछ ना जाने या पर नहीं जाने और पैने आ जल्दी मतदाता चल अच्छी कानून चंद आदिम विधायक कानून चंद हाँ जी गोंगनो क्या काम है पांच साल में कुछ वेजे तुम्हारे फोन अच्छा अच्छा रास्ता रुस्ता पूछ अच्छा पानी पूनी खूब हों तुम्हारे हाँ जी अब विधायकन कथे काम करी कुछ कर विधायकन तुम अच्छा अब फिर वोट देन फिर अपन अब यही तो देन की दूसरा तो देन फिर अच्छा अच्छा पर नहीं वे काम क्या ना कुछ नहीं वे गोंगनो क्या काम है पांच साल में कुछ वेज तुम्हारे फोन अच्छा 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 रास्ता रुस्ता पूछ अच्छा पानी पूनी खूब हों तुम्हारे हाँ जी अब विधायकन कथे काम करी कुछ कर विधायकन तुम अच्छा अब फिर वोट देन फिर अपन अब यही तो देन की दूसरा तो देन फिर अच्छा पर नहीं वे काम क्या ना कुछ नहीं वे फिर विधानसभा चुनाव है तो क्या समझते आप किसी नए आदमी को मौका मिलना चाहिए या फिर वही आदमी रिपीट होना चाहिए तो बीजेपी वाले तो बीजेपी में तो बहुत कैंडिडेट हैं अच्छा राशन तो ऊपर से मोदी जी ने दी है उन्होंने थोड़ी दी नहीं नहीं मैं ये बोल और भी है बीजेपी में आपको बीजेपी से मतलब है कि भरत चौधरी जी से मतलब है भरत चौधरी भी ठीक है कैंडिडेट वहीं देखा जाए तो भाजपा इस सीट पर जीत का पूरा दावा ठोक रही है। हालांकि अभी भाजपा में इसी सीट से आधा दर्जन उम्मीदवार हैं। ऐसे में किसको टिकट मिलेगा पहले यह देखना बाकी है, लेकिन जीत का विश्वास पूरा है। 22 के चुनाव के मद्देनजर आपने ये देखा होगा कि आज जो हमारी केंद्र सरकार है, चाहे हमारी राज्य सरकार है, आम जनमानस के लिए योजनाएं जो बनाई हैं वो धरातल पर उतर रही हैं, और उसी का एक परिणाम है कि जो 70 विधानसभाओं में हमारी विजय संकल्प यात्रा चल रही है उसमें उमड़ कर भीड़ आ रही है। और उसमें आपने देखा हो कि जो हमारी सरकार की चाहे दलित पिछड़े और अंत उदय का जो अटल बिहारी वाजपेयी जी का सपना है, जिसके लिए हमारी केंद्र सरकार हो चाहे डबल इंजन की सरकार हो, निरंतर कार्य कर रही है। और 2022 के चुनाव में 60 सीटों के पास जाएंगे और एक पुनः भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड में रिपीट होगी।
उधर कांग्रेस विधानसभा रुद्रप्रयाग में भाजपा विधायक के 5 साल के कार्यकाल को पूरी तरह असफल बता रही है। कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा प्रत्याशी लक्ष्मी राणा का कहना है कि भाजपा विधायक का 5 साल का कार्यकाल अपने लिए अच्छा रहा है। जनता की समस्याएं जस की तस हैं, मात्र अपनों को लाभ पहुंचाने का काम विधायक ने किया है। जनता पूरी तरह से भाजपा के प्रति आक्रोशित है, जिसका जवाब चुनाव में मिलने वाला है। बहुत ही अच्छा मैंने सर्वे हमने से मान सकते पहाड़ टीवी का सबसे जबरदस्त सर्वे से मान लिया। सब लोग बुजुर्ग हैं और बुजुर्ग का अनुभव बहुत बड़ी चीज होती है और उनका सबका कहना है कहीं ना कहीं बदलाव जरूरी है, चाहे महिला को टिकट मिले, महिला को, क्योंकि पुरुष को हमने देख दिया इतने सालों से देखता रहे कोई काम नहीं कर रहा। अगर महिला को भी टिकट मिलता कोई दमदार महिला उसको भी हम वोट देंगे और देखेंगे कि इस बार वो नए 2022 में वो विधायक बनता है कोई भी महिला, वो कितना अच्छा काम करती है। फिलहाल के लिए आप देखते रहे पहाड़ टीवी है बेखौफ उम्मीद का रंग। है आस्था भी मेरा उत्तराखंड।